आज ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शाम को 4 बजे गोंडा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप लगे, तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगे ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और इन तमाम आरोपों के बीच एक बार पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं ब्रजभूषण सिंह, अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बता चुके हैं, और आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहले दोपहर 12 बजे का समय रखा गया था, लेकिन अब शाम 4 बजे का जो समय है वो रखा गया है, और गोंडा में अपने गृह क्षेत्र में ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, आज ऐलान किया जा सकता है इस्तीफे का, या फिर अपने ऊपर लगे हुए आरोपों पर कोई और सफाई भी आज पेश कर सकते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है दिल्ली में, एक तरफ जहां पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है, केंद्रीय खेल मंत्रालय इस मामले में खुद इंटरवीन कर रहा है, बातचीत कर रहा है पहलवानों से, और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की भी बातचीत हुई है, पहलवानों से भी बातचीत हुई है, और ब्रजभूषण शरण सिंह से भी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की बातचीत हुई है। जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आज ब्रजभूषण शरण सिंह शाम 4 बजे गोंडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। देखना होगा, सभी की नजरें आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी रहने वाली है, तो वहीं खिलाड़ियों का भी रुख देखने वाली बात होगी कि पहलवान क्या आज FIR, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि कल अगर बात नहीं बनती है तो FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। आज ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शाम को 4 बजे का समय रखा गया है, गोंडा में अपने गृह क्षेत्र में ही ब्रजभूषण शरण सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, खासतौर पर महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर, बेहद संगीन आरोप।